हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दीज नेल्स, सलून टाइप नेल्स और है ये, एंड इनको आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सो या लेट्स बिगिन। इसके साथ आपको मिल जाता है एक क्यूटिकल पुश करने वाला स्टिक, सारे 24 पीसेस आपको नेल्स के मिल जाते हैं, और स्टिक करने के लिए आपको ग्लू स्टिक ये स्टिकर्स टाइप मिल जाते हैं, एंड साथ में आपको मिलता है एक फाइलर जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। सो आपके नेल्स की अकॉर्डिंग आप इसे इनकी साइजेस वगैरह देख सकते हैं। एंड सबसे पहले यहाँ मैं मेकअप रिमूवर की हेल्प से सारे नेल्स पे जितने भी डर्ट हैं उसे क्लीन कर रही हूँ, एंड नेल पेंट वगैरह भी आपने लगाई है तो उसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी मैं। सो यू कैन सी बहुत अच्छे से क्लीन हो गए हैं। अब इसे हम अच्छे से फाइल कर लेंगे, नेल्स को फाइल कर लेंगे ताकि वो थोड़े से छोटे हो जाएं, ताकि जो फेक नेल्स हैं उनके बाहर से वो नज़र नहीं आए, बिकॉज़ ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट वाले नेल्स हैं, इनमें ज़्यादा कलर नहीं है तो अंदर के नेल्स आपके शो हो सकते हैं, दैट्स वाई। ये मैंने अमेजोन से लिए थे एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 300 समथिंग, सो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। एंड इसके साथ कोई ग्लू अलग से नहीं आता है, लिक्विड ग्लू, ये स्टिकर्स ही आते हैं जो कि थोड़े से शो होते हैं, बट या काफ़ी इफेक्टिव है। सो यहाँ मैं अपने क्यूटिकल्स को थोड़ा सा पुश कर लूँगी ताकि नेल्स अच्छे से स्टिक हो सके एंड एक अच्छा सा गैप आ जाए नेल्स में। आप बिल्कुल एंड तक इसे अप्लाई मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये आपके नेचुरल नेल्स को काफ़ी हार्म करते हैं अगर ज़्यादा दिन के लिए आकर आप अप्लाई कर रहे हैं तो, एंड ये लास्ट भी काफ़ी करते हैं, अराउंड 1 और 2 वीक्स तक आप इसे, अगर आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं तो काफ़ी अच्छे से चल जाएंगे ये। एंड इसके साथ ही मैंने अपनी जो ऊपर की डेड स्किन है उसे भी फाइल कर लिया है, एंड रिमूवर की हेल्प से अच्छे से रिमूव कर लूँगी। आप इसकी जगह रबिंग अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ये सारे स्टिकर्स हैं एंड ये नेल्स हैं, तो नेल्स आपकी नेल शेप के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। एंड सबसे पहले मैं सारे सारे शेप्स सेलेक्ट कर लूँगी। सो आप देख सकते हैं ये पत्ती बेबी पिंक सा शेड है, एंड इस पे साइड में आपको ग्लिटर्स मिल जाएंगे, थोड़े से फैंसी हैं। सो या एंड मार्केट में मैंने पता किया था अराउंड 1300 समथिंग में ये पूरा किट मुझे मिल रहा था, सो काफ़ी अच्छी डील है अगर आप ऑनलाइन सर्च करके मंगाते हैं तो। सो यहाँ मैं ये स्टिकर्स को भी इनकी शेप के अकॉर्डिंग साइजेस दी हुई हैं अलग अलग, सो उसी तरीके से उसके ऊपर जो स्टिकर है उसे रिमूव करेंगे, एंड देन नेल्स के नीचे भी आप इसे चिपका सकते हैं या डायरेक्ट फिंगर पे भी। मैं यहाँ डायरेक्ट फिंगर पे अप्लाई कर रही हूँ, देन नेल को उसके ऊपर प्रेस करके, ये काइंड ऑफ प्रेस ऑन नेल्स है। सो या मार्केट में इनका एक लिक्विड ग्लू भी मिलता है, वो भी बहुत अच्छे से स्टे करता है। तो यहाँ मैंने ग्लू लगा दिया है, एंड अब नेल्स को प्रेस कर लेंगे 5 to 10 seconds के लिए, एंड 10 seconds में ये अच्छे से अप्लाई हो जाते हैं लाइक दिस। एंड ये वाला मैंने नेल्स के ऊपर ही अप्लाई करके देन अपने नेल्स पे अप्लाई किया है, एंड प्रेस कर लेंगे।
सो लास्ट है ये थम, इसका ग्लू काफी हार्ड है तो अच्छे से स्टिक कर देता है आपके नेल्स को। इन्हें पहन के आप ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते हैं, बट ये टेम्प्रेरी के लिए काफ़ी अच्छे हैं, वेडिंग वगैरह है इसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी काफ़ी नेचुरल और अच्छे लगते हैं, यू कैन सी। सो दिस इज़ हाउ माई नेल्स लुक लाइक। अगर आप ज़्यादा एक्सपेंसिव नेल एक्सटेंशंस नहीं करा सकते तो यू कैन ट्राई दिस वन, काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव। सो आई होप गाइस ये आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। Make sure to like, share and subscribe to my channel. Bye guys.